बॉलीवुड सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 8 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। जिस सीक्रेट मिशन पर यह फिल्म आधारित है उसकी पूरी दास्तां मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को ना करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नजर रखने वाली 4 सैटेलाइट्स लगाए थे। ये कुछ ऐसे सैटेलाइट्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जमीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देख सकते हैं। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट्स को मात दे दी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान बलूचिस्तान की पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है। उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ही कम साधन थे। पोखरण में थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियां हैं जिनकी लंबाई कंधे तक ही है। अब कुछ ऐसी दशाओं में भारत के लिए बिना किसी की नजर में आए परमाणु परीक्षण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तो अब आपको समझ आया कि भारत ने कैसे यह परीक्षण किया होगा। अब बात करते हैं परीक्षण कहां किया गया था। परीक्षण की जगह थी पोखरण, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण प्रमुख कस्बा है। भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर मानव बस्ती बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदे और इसमें परमाणु बम रखे गए और फिर कुएं को बालू से ढकने में मशीनों का साथ बेलचा लिए हुए आदमियों ने दिया। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बना दिए गए थे जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे जिनमें आग लगाई गई और बहुत ही जोर से धमाका हुआ। इस धमाके के कारण मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया और विस्फोट की जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा भी बन गया था। अब इससे कुछ ही दूर पर खड़े 20 वैज्ञानिक का समूह इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वह विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने हवा में मुट्ठी मारते हुए कहा कि कैच अस इफ यू कैन। यह अमेरिका खुफिया एजेंसियों को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। अब बात करते हैं कि किन वैज्ञानिकों ने इस मिशन में भाग लिया था। भारतीय सेना के 58 इंजीनियर रेजिमेंट्स को इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का भी काम सौंपा गया था। ये इंजीनियर 18 महीने तक इस मिशन पर गुप्त तरीके से काम करते रहे। भारत के स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदंबरम इस मिशन में शामिल दो बड़े वैज्ञानिक नाम थे। इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक शामिल थे। अब बात करते हैं कि इस परीक्षण को करने में किस तरह की गुप्त सतर्कता बरती गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिक एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को झूठे नामों से बुलाते थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिकों के बहुत से झूठे नाम भी रखे गए थे और ये नाम इतने सारे हो चुके थे कि कभी कभी तो साथी वैज्ञानिक एक दूसरे के नाम भी भूल जाया करते थे। सतर्कता के चलते सभी वैज्ञानिकों को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल तक ले जाया जाता था,
ताकि खुफिया एजेंसी CIA को यह अंदेशा हो कि आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोड वर्ड्स में जो बातें पूछी जाती थी वो होती थी, क्या सियारा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है, जिसमें कैंटीन का मतलब सीक्रेट चैम्बर और सियारा का मतलब साइंटिस्ट होता था। इसका मतलब हुआ यानी वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है क्या। DRDO की टीम को चार्ली, BARC की टीम को ब्रेवो और मिलिट्री को माइक नाम दिया गया था। और इसी के साथ हाइड्रोजन बम को व्हाइट हाउस और एटम बम को ताजमहल नाम दिया गया था। और तीसरे बम के दस्ते का नाम कुंभकर्ण था। इसकी खास बात ये रही थी कि नाम के हिसाब से ये काफी समय तक निष्क्रिय पड़ा रहता था। तो कुछ इस तरह अपनी जान पर खेलकर भारत के जाबाज वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। इस प्रशिक्षण के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित लगभग सभी विकसित देशों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। तो दोस्तों, ये थी पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की असली दास्तां। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, भारत के जांबाज वैज्ञानिकों के नाम इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता रहता हूं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।